दोस्तों, जूतों के अंदर बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा? नमस्कार, आप सभी का ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जूतों शूज के अंदर बेकिंग सोडा डालने पर कौन सी चार समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बेकिंग सोडा बड़े कमाल की चीज है। खाना बनाने से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट और घरेलू इलाज तक बहुत सारे प्रयोग इसमें किए जाते हैं, जिसके बारे में आप जरूर से जानते होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा अगर आपके पैरों से जुड़ी तमाम समस्याओं से चुटकियों में छुटकारा कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दिन भर जूते शूज पहन के रखते हैं तो ये बेकिंग सोडा कैसे काम कर सकता है। नंबर वन, पैरों से आने वाली बदबू इससे दूर हो जाएगी। अगर आप दिन भर जूता मोजा पहन के रखते हैं तो आपके पैरों से बदबू आने लगती है। इस बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप अगली बार जब भी आप जूता पहने तो इसके अंदर आप आधा आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जिससे कि ये जो पाउडर होगा उससे आपके पैर से बदबू निकलना बंद हो जाएगी। इसका दूसरा एक आसान और तरीका है, पैरों में जो पसीना होता है और फंगल इन्फेक्शन होता है उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कई बार कुछ लोगों के पैरों में ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण काफ़ी देर तक जूता पहनने पर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको ज़रूर से जूता या मोजे पहनने पर बेकिंग सोडा आपको ज़रूर से डाल देना है। उसके बाद में जूतों की बदबू को आपको दूर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? बेकिंग सोडा के जरिए। अगर किसी के पैरों में से या फिर पैर बाहर निकालने पर भी जूतों में से बदबू आती है तो आपको उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। नंबर फोर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफी पसंद आएगा, चिपचिपेपन से आपको छुटकारा मिलेगा। कई बार जूते की गंदगी और पैरों के पसीने की वजह से आपस में जूता और जो पैर होता है वो चिपचिपा हो जाता है, जिससे कि आपको कई प्रकार की फिसलन जैसी महसूस होती है। अगर आमतौर पर ऐसे में अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो जूते में जो चिपचिपापन होता है वो कम हो जाएगा। तो आज की इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको काफी हेल्पफुल जानकारी दी है, जो कि गर्मियों में तो काफी काम की होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।